बरेली के कैंट थाने के ठिरिया इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश रमेश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं बदमाशों की तरफ से भी गोली चलने से सिपाही भी घायल हो गए। पुलिस ने घायल सिपाही और बदमाश दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस कस्टडी में लेटे बदमाश का नाम रमेश है, जो लूट डकैती और बलवा सहित 15 मुकदमों में पिछले कई समय से वंचित चल रहा था। पुलिस कई रोज से इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आज मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि इनामी बदमाश रमेश अपने साथियों के साथ कैंट इलाके में घूम रहा है। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर इनामी बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनामी बदमाश रमेश ने पुलिस को देखते ही फायर कर दिया, जिसमें एक सिपाही को गोली लग गई। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग करते हुए इनामी बदमाश रमेश पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गिर गया और उसका साथी बदमाश मौके से फरार हो गया। इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ में घायल सिपाही को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना कैंट क्षेत्र में अपराधियों के साथ एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम रमेश कश्यप है, वो घायल हुआ है, तथा एक हेड कांस्टेबल भी इसमें घायल हुए हैं। दो अपराधी पैदल सदर बाजार से ठिरिया की तरफ जा रहे थे, जब पुलिस टीम ने उनको चेक करने के लिए रोका, उसी समय उन्होंने फायर कर दिया और फायर करने पे एक हेड कांस्टेबल हमारा चोटिल हुआ और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश जो रमेश कश्यप है उसे लगी और दूसरा बदमाश करण वहाँ से भाग निकला। रमेश के खिलाफ 14 मुकदमे थाना कैंट क्षेत्र में है और थाना कैंट का वो हिस्ट्री शीटर भी है और ट्रक चोरी के मामले में पूर्व से वांछित चल रहा था। दूसरा अपराधी जो फरार हुआ है, उसकी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी।